हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपके आर्म्स के फैट को कम करेगी, ब्रिस्ट को टोन अप करेगी, बैली फैट को कम करेगी और साथ ही साथ आपके पैरों की टोनिंग करेगी और जो हमारे थाइस पे फैट होता है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इस एक्सरसाइज को आपको किस तरीके से करना है, किस वक्त करना है और कितने रेपिटेशंस करने हैं ये मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ बताती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि एक्सरसाइज हमें किस तरीके से करना है। एक्सरसाइज को करने के लिए इस तरीके से पहले इस तरह से पोजीशन लेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे लेके आएंगे, गर्दन सामने की तरफ, इस तरह से फुल प्लैंक पोजीशन ले लेंगे। अब यहां पर तीन लंबी गहरी सांसें लेंगे, नाक से ब्रीद इन और मुंह से ब्रीद आउट। अब सांस भरते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, इस तरीके से। जब इस पोजीशन में आएंगे तो आपके घुटने या आपके थाइस कुछ भी जमीन से टच नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना देर रुक सकते हैं उतना देर रुकेंगे और फिर इस तरीके से पोजीशन लेंगे। यहाँ पे दो डीप ब्रीदिंग करेंगे, अगेन स्ट्रेच, होल्ड, बैक ब्रीथ। इस एक ही एक्सरसाइज को आपको करना है। इनिशियल जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू शुरू में आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 10 रेपिटेशंस इसके कम से कम करने चाहिए। एक बार में 10 रेपिटेशंस कीजिए, मतलब कि 10 बार आप स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए और बैक इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे डेली दो दो करके आप इसके जो रेपिटेशन है उनको इंक्रीज कर लीजिए। सपोज कि आज आपने 10 से स्टार्ट किया है, कल 12 कीजिए, फिर 14 कीजिए, 16 कीजिए, इस तरीके से आप इसको 50 टाइम्स तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में कीजिए और रात को सोने से पहले भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। जो लोग जंप्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी कूदने फाने वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कार्डियो वर्कआउट्स नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इस एक्सरसाइज को कीजिए और एक्सरसाइज करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट का भी ध्यान ज़रूर रखिए। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करते रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।